नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त श्रृंगार और आज भी मैं हमेशा की तरह दो गाड़ियों का कंपैरिजन यहां पर करने वाला हूं। हैचबैक सोच रहे हैं लेने की, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आप अल्टीमेटली आकर रुकते हैं टाटा टियागो पर या फिर फोर्ड फिगो पर, जो कि गाड़ियाँ अच्छे खासे पावर के साथ आपको मिल जाती हैं, काफ़ी अच्छी सेफ्टी के साथ मिल जाती है। तो ये दोनों गाड़ियों में से अब कौन सी लेनी है, इसे चूज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो को अंत तक देखिए। यहाँ पर मैं कंपेयर कर रहा हूँ फोर्ड फिगो का टॉप एंड वेरिएंट टाटा टियागो के टॉप एंड वेरिएंट के साथ। क्या फीचर्स से लोडेड ये गाड़ियाँ आती हैं, कितना अच्छा पावर आपको मिल सकता है और ड्राइवेबिलिटी कितनी बढ़िया होगी, सारी चीज़ों पर चर्चा करूँगा। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले जाकर के सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि आगे भी इस प्रकार के अपडेट्स आपके लिए हम लाते रहें। तो दोस्तों, शुरुआत करना चाहूँगा प्राइस से। फोर्ड फिगो का जो प्राइस है, ये शुरू हो जाता है 582,000 से, मतलब 6.5 लाख में गाड़ी कंप्लीट होने लायक होती है। टॉप एंड पर जाएंगे तो यहाँ पेट्रोल वेरिएंट भी अवेलेबल होता है, 8.5 लाख रुपए तक इसका एक शोरूम प्राइस हो सकता है। बट हम पेट्रोल की बात करते हैं, डीजल इंजन पर नहीं जाते हैं। तो दोस्तों, पेट्रोल की अगर बात करें, टॉप एंड वेरिएंट टाइटेनियम ब्लू करके एक वेरिएंट आता है, जिसका प्राइस है 7,27,000 रुपए। इसे हम लेने वाले हैं आज, इसका कंपेरिजन करेंगे। अब पेट्रोल क्यों लिया गया है, क्योंकि एक तो अच्छा ज़्यादा बढ़िया फ्यूल है और दूसरा टियागो में डीजल वेरियंट नहीं आता है। तो टियागो में जो टॉप एंड वेरियंट है, ये आता है XZA+ ड्यूअल टोन, 6,96,000 रुपये इसका प्राइस है। अगर बेस वेरिएंट लेना चाहते हैं तो 4,99,000 से शुरू हो जाती है गाड़ी, 5.5 लाख 6.5 लाख में कंप्लीट हो जाती है। तो दोनों गाड़ियों का जो हमने वेरिएंट लिया है, लगभग 7-7.5 लाख रुपये इनका प्राइस है, मतलब 8 लाख में गाड़ियाँ कंप्लीट होगी। इंजन की तरफ बढ़ते हैं। आपको दोस्तों फोर्ड फिगो में मिलता है TIVCT 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, जिसका कि डिस्प्लेसमेंट अगर आप एक्यूरेटली देखना चाहते हैं तो 1194 CCA होता है, 3 सिलेंडर इंजन होता है। वहीं बात करें टाटा टियागो में, 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन इंजन लगा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट 1199 CC, 5 CC का अंतर है, ज़्यादा कुछ बात नहीं है, 3 सिलेंडर का इंजन होता है ये भी एक। अब पावर कितनी जनरेट कर रहा है, देखिए दोस्तों, फोर्ड फिगो का जो इंजन है ये पावर जनरेट करता है 95 BHP की, क्योंकि इसका जो रिवॉल्यूशन है 6500 RPM तक जाता है। सो 6500 RPM पर ये गाड़ी जो है 95 BHP का पावर आपको दे देगी। टियागो में 6000 RPM तक मैक्सिमम पावर आप निकाल सकते हैं, जो कि है 84 BHP की। अब ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर फोर्ड के मुकाबले कम है, तो काफ़ी कम हो गया दोस्तों। इस प्राइस रेंज में अगर आप गाड़ियाँ देखेंगे तो 67 BHP तक की गाड़ियाँ अवेलेबल होती है। टॉर्क की बात करें तो 119 Nm का टॉर्क 4250 RPM पर फोर्ड फिगो देती है आपको। टियागो भी कम नहीं है दोस्तों, 113 Nm का टॉर्क आपको निकाल देती है 3300 RPM पर। अब ये है कि कम RPM पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर देती है टियागो, जिसकी वजह से ड्राइवेबिलिटी इन हिली एरियाज ज़्यादा बेटर इसकी हो जाती है। आप अगर पहाड़ी क्षेत्र में रह रहे हैं, वहाँ पर ये गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। अगर आप हाईवेज वाले एरिया में ज़्यादा रहते हैं, जहाँ पर आपको समतल ही चलना पड़ता है, तो भी ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद देने वाली है। दोनों गाड़ियों में यहाँ पर कंपेरिजन में बोलूँगा फोर्ड फिगो थोड़ी सी आगे है, अच्छा खासा टॉर्क, अच्छा खासा पावर आपको प्रोवाइड कर रही है। माइलेज के मामले में, क्योंकि टियागो थोड़ा कम पावर देती है, थोड़ा कम टॉर्क, तो माइलेज आपको ज़्यादा बढ़िया दे देती है। 23.84 किलोमीटर पर लीटर का ARAI माइलेज निकल कर आया है, इसे आप मैक्सिमम माइलेज समझ सकते हैं, मतलब ये गाड़ी आपको 20 से 19 का माइलेज तो ज़रूर दे देगी। फोर्ड फिगो की बात करें तो 18.5 का माइलेज इसका दिखा रहा है। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि ये गाड़ी 16-17 का माइलेज आपको दे सकती है। NCT हाईवेज पर जाएंगे तो 18-19 का भी माइलेज ये गाड़ी ज़रूर निकाल देगी। दोनों गाड़ियां जो है दोस्तों फ्रंट व्हील ड्राइव होती हैं, सामने के चकों पर पूरा का पूरा जो पावर जनरेट हो रहा है ट्रांसमिट किया जाता है। ट्रांसमिशन टाइप होता है, फिगो में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा 5 गियर्स के साथ, जबकि टाटा टियागो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ भी आती है, जिसमें कि टॉर्क कन्वर्टर पुराने जमाने की टेक्नोलॉजी कहेंगे, लेकिन काफ़ी बढ़िया 5 गियर्स के साथ ये भी है। मैनुअली अगर आप इसे ओवरराइड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर पाएंगे, अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट का ऑप्शन दिया जाता है। तो डायमेंशन में इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखेगी कि लगभग 20 सेंटीमीटर लंबी फिगो है, थोड़ा बढ़िया एरिया वहाँ पर मिल जाएगा। विड्थ के मामले में ज़्यादा फर्क नहीं है, हाइट के मामले में सिर्फ 1 सेंटीमीटर का फर्क है, टाटा टियागो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। व्हील बेस में काफ़ी फर्क आ जाता है, व्हील बेस फोर्ड फिगो का 2490 mm का है, जो कि एक प्रीमियम हैचबैक के लिए होता है। अब टाटा टियागो और फोर्ड फिगो दोनों कॉम्पैक्ट हैचबैक से सेगमेंट में आती है। टाटा टियागो का जो व्हील बेस है 2400 mm होता है, सीधी सी बात है दोस्तों, अगर यहाँ 9 सेंटीमीटर का जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, उसकी वजह से लेगरूम पे काफ़ी फर्क पड़ने वाला है। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों गाड़ियों का 170 mm के करीब होता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आप कच्चे रास्तों पर आराम से चल सकते हैं, पथरीले रास्तों पर गाड़ियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं एक्सटीरियर इंटीरियर में क्या कुछ खास है। तो देखिए, बॉडी कलर के बम्पर, रूफ माउंटेड एंटेना तो दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। लाइटिंग किस प्रकार की है देखिए, फॉग लैंप्स सामने की तरफ, हेलोजन फॉग लैंप्स दोनों गाड़ियों में प्रोवाइड किए गए हैं। हेडलाइट्स हेलोजन टाइप रहेंगे, यहाँ पर कोई प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स या
एलईडी हेडलैम्प्स का कुछ नहीं दिया गया है। फोर्ड फिगो में आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, टियागो के अंदर ये सुविधा आपको नहीं मिल पाएगी। टियागो में एक सुविधा आपको मिलती है, वो है फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, जो कि आपको फिगो में नहीं मिलेगी। अब ये फॉलो मी होम हेडलैम्प्स क्या है, ये ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप घर पर गाड़ी खड़ी कर रहे हैं रात के समय, अगर आपकी लाइट चालू है तो गाड़ी को पता है कि आपको घर तक भी पहुंचना है, तो गाड़ी आपको 3-4 मिनट तक रास्ता दिखाती है, उसके बाद लाइट आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं लॉक करने के बाद भी। टेल लाइट्स हैं, टेल लाइट्स भी हैलोजन टाइप ही रहने वाले हैं यहाँ पर। अब ये तो रही एक्सटीरियर की बात, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दोनों गाड़ियाँ होती है। फोर्ड फिगो काफ़ी समय से आपने देखी है जैसी कि वैसी है, कोई इतना ज़्यादा एक्सटीरियर में चेंजेस नहीं है। टियागो काफ़ी ज़्यादा नए लुक्स के साथ आती है। 8 ways मैनुअली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट इन दोनों गाड़ियों में लगी हुई है। 6 way तक को ड्राइवर सीट को एडजस्ट कर पाएंगे मैनुअली। फैब्रिक सीट अपोस्ट्री के साथ आती हैं दोस्तों दोनों ही गाड़ियाँ। जहाँ पर फोर्ड फिगो में आपको सिंगल टोन इंटीरियर मिलता है चारकोल ब्लैक कलर का, मतलब काफ़ी डार्क ब्लैक यहाँ पर मिल जाएगा। टाटा टियागो की बात करें तो ब्लैक एंड ग्रे कलर का ड्यूअल टोन इंटीरियर आपको मिलता है, जो कि काफ़ी इसको इंटीरियर को थोड़ा और इन्हेंस कर देता है खूबसूरती को। इंटीरियर की बातें देखते हैं, कंफर्ट के लिए क्या कुछ फीचर्स है, तो देखिए दोनों ही गाड़ियों के चारों विंडोज जो हैं पावर विंडोज होती हैं। 1 touch down का ऑप्शन आपके फोर्ड फिगो में भी मिल जाता है ड्राइवर सीट के लिए और टाटा टियागो में भी, बट 1 touch up का ऑप्शन फोर्ड फिगो आपको देती है ड्राइवर सीट के लिए, टियागो में ये फीचर नहीं मिलता है। एडजस्टेबल ORVM रहते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट और रिट्रैक्ट कर सकते हैं अंदर बैठे बैठे ही। टर्न इंडिकेटर मिलेंगे आपको ORVM के ऊपर दोनों गाड़ियों में। रियर डिफॉगर और रियर वाइपर लगे हुए हैं, जिनकी सहायता से आप पीछे की खिड़की के थ्रू देख सकते हैं। आगे बात करें तो देखिए ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल दोनों ही गाड़ियां आपको प्रोवाइड कर देती हैं दोस्तों, जिसकी वजह से आपका एसी ऑपरेशन ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा इजी हो जाता है। हीटर की सुविधा फोर्ड फिगो में अवेलेबल है, हीटर की सुविधा टाटा टियागो में देखने नहीं मिलती है। कैबिन से बूट का एक्सेस दोनों गाड़ियों में कर पाएंगे। रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड सेंसर्स दोनों गाड़ियों में लगे हुए हैं, तो पार्किंग के लिए भी काफ़ी अच्छी आपको मदद मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों एंटरटेनमेंट के बारे में बात करें तो टच स्क्रीन डिस्प्ले लगा हुआ है दोनों ही गाड़ियों में, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी आपको टाटा टियागो दे देती है। फोर्ड फिगो में ये सुविधा नहीं है और यहीं पर थोड़ा सा फोर्ड की गाड़ियाँ पीछे हो जाती है यार। इतना अगर महंगी गाड़ी आप बेच रहे हैं तो कम से कम एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना शुरू करें। GPS नेविगेशन आपको फोर्ड फिगो देती है, ऑब्वियस सी बात है टाटा टियागो में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली GPS की, क्योंकि आपका फोन जब मोबाइल कनेक्टेड है गाड़ी से तो आपके फोन के GPS से भी काम हो जाएगा। स्पीकर 4 दिए जाते हैं फिगो में, स्पीकर 6 से ज़्यादा दिए जाते हैं टाटा टियागो में, ज़्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी आपको टियागो में मिल जाएगी। USB की कंपैटिबिलिटी है, ऑक्सी कंपैटिबिलिटी। दोस्तों यहाँ पर ये ना सोचिए कि डैम्पिंग करानी पड़ेगी बाद में साउंड के लिए, साउंड उतना अच्छा नहीं मिल पाएगा फिगो में, क्योंकि फिगो का कर वेट टाटा टियागो के मुकाबले लगभग 100 किलो ज़्यादा होता है। ज़्यादा भारी दरवाजे फोर्ड के होते हैं, तो आपको यहाँ पर भी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी मिलने वाली है। यहाँ स्पीकर का थोड़ा हेर फेर है, यहाँ पर 4 स्पीकर आपको मिल रहे हैं, टियागो में 6 से ज़्यादा स्पीकर, वो एक्चुअली क्या है 4 स्पीकर है और 2 ट्विटर्स लगे हुए हैं, उनकी वजह से थोड़ा सा साउंड क्वालिटी इनहेंस हो जाती है। स्टीयरिंग पर माउंटेड कंट्रोल्स आपको मिलेंगे, जिसकी सहायता से ऑपरेशन और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है आपके म्यूजिक सिस्टम का या फिर आपके फ़ोन कॉल्स को लेने का। आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं टायर साइज़ की, व्हील साइज़ की, स्टीयरिंग की। तो देखिए डिस्क ब्रेक सामने की तरफ, ड्रम ब्रेक्स पीछे की दोनों व्हील्स पर लगे हुए हैं दोनों गाड़ियों में। अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं आपको, 195/55 R15 के व्हील मिलेंगे फोर्ड फिगो के अंदर आपको, जबकि टाटा टियागो में 175/60 R15 के व्हील, यानी कि फिगो के मुकाबले 2 cm कम चौड़े टायर मिलेंगे यहाँ पर। देखने में दोनों ही अच्छे लगने वाले हैं, लेकिन जब आप चलाने की बात करते हैं 95 BHP की पावर को पूरी तरह से यूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन की भी ज़रूरत होगी, जो कि आपको फोर्ड फिगो के टायर दे देते हैं। टियागो के टायर्स भी इतने कमज़ोर नहीं है, जिस हिसाब से वेट है उस हिसाब से काफ़ी बढ़िया ये काम करेंगे। दोस्तों सेफ्टी की बात करें तो देखिए फोर्ड फिगो आती है 6 एयरबैग के साथ, जबकि टाटा टियागो टॉप एंड वेरिएंट में भी 2 ही एयरबैग प्रोवाइड करती है, लेकिन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि जब एनकैप में इनका क्रैश टेस्ट किया गया तो दोनों ही गाड़ियों को 4 स्टार की ग्लोबल एनकैप रेटिंग मिली हुई है। मतलब काफ़ी ज़्यादा दोनों गाड़ियां आपको सेफ रखने में सक्षम है। सीट बेल्ट के लिए वार्निंग दी गई है। ब्रेकिंग असिस्ट की बात करें तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन दोनों गाड़ियों में मिल जाएगा। टियागो के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम का भी एक फीचर आ जाता है। अब ये चीज़ अगर फिगो में नहीं है तो आप सोच रहे होंगे कि यार एक फीचर कम हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। जिस हिसाब से स्ट्रक्चर फिगो का है, थोड़ा सा लंबाई ज़्यादा, हाइट कम रखी गई है, तो इसको चलने में काफ़ी आसानी हो जाती है रोड पर। टियागो में ये है कि व्हील बेस कम रखा गया है, स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा है और ऊंचा है, जिसकी वजह से गाड़ी का हो सकता है कि रोड छोड़कर चले, इसलिए ESP यहाँ पर ज़्यादा फायदेमंद हो जाती है। इंजन का इमोबिलाइजर दोनों गाड़ियों में मौजूद है, कीलेस एंट्री है और साथ ही चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी अवेलेबल है। तो ये दोस्तों दोनों गाड़ियों में अंतर, जहाँ पर आपको फोर्ड फिगो 7.5 लाख रुपये में मिलेगी, टाटा टियागो 7 लाख रुपये में कम्प्लीट आपको मिल जाएगी टॉप एंड वेरियंट के साथ। आई होप वीडियो जरूर पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ इस तरह बने रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।